हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में, है ना। माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट में आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में आज हम माइक्रो कंट्रोलर 5.1 फैमिली के, यानी मैंने बताया था आपको जैसे पिछले लेक्चर में कि आपके यहाँ जो फैमिली है वो है 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली। अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली में वैसे तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर हैं, लेकिन मुख्य माइक्रो कंट्रोलर इस फैमिली का वो कौन है, वो है 8051। तो इसीलिए हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली के फीचर्स आज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला टॉपिक हमारा रहेगा ब्लॉक डायग्राम। तो फीचर्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, यहीं से इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फीचर्स, फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो, सबसे पहला फीचर अगर हम बात करते हैं तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंटेल कंपनी का एक 40 पिन वाला माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो पहला फीचर यह है कि 8051, चूंकि हर माइक्रो कंट्रोलर एक आईसी होती है, चिप होती है, तो चिप में हमेशा कुछ पिन्स भी होती हैं। तो कितने पिन होती है इसमें, 40। और अमेरिकन कंपनी इंटेल ने इसको बनाया, तो ये एक 40 पिन आईसी है। तो पहली बात, ये इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, पहला फीचर, अमेरिकन कंपनी इंटेल, अमेरिकन कंपनी इंटेल, इसकी मैन्युफैक्चरर है यानी कि निर्माता है। और अमेरिकन कंपनी इंटेल इसकी मैन्युफैक्चरर, और ये एक 40 पिन आईसी है, 40 पिन की आईसी है ये, है ना। और डिप टेक्नोलॉजी में होती है, डुअल लाइन पैकेज, है ना। तो डिप टेक्नोलॉजी में बनाई गई एक 40 पिन आईसी है और अमेरिकन कंपनी इंटेल ने इसको बनाया, पहला फीचर तो ये है। सेकंड अगर हम फीचर देखें इसका, तो ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, कितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। तो ये 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर का मतलब ये 8-बिट डाटा पर ऑपरेशन करता है, है ना। तो 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर है, और इसमें जो, इसलिए डाटा बस जो होती है वो भी कितने बिट की होती है, इसकी 8-बिट की, क्योंकि जितने बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता उसकी डाटा बस हमेशा उतने साइज की होती है। तो इसकी डाटा बस वो कितनी होती है, 8-बिट डाटा बस होती है इसकी, है ना। और एड्रेस बस जो है वो इसकी 16-बिट होती है, 16-बिट एड्रेस बस। फोर्थ अगर हम देखते हैं इसका फीचर, माइक्रो कंट्रोलर का फोर्थ फीचर अगर हम देखते हैं, तो जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 है इसमें 128 बाइट की इंटरनल रैम, 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है विद एडिशनल SFRs अतिरिक्त होते हैं, है ना। विद एडिशनल SFR, यानी कि SFR का मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, है ना। तो इसमें 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है, वो इसके अलावा वैसे उसमें SFRs भी होते हैं, है ना। फिफ्थ इसका फीचर्स है, आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो, है ना, अभी चलो इसकी बात नहीं करें, तो आप इतना लिख सकते हैं, 128 बाइट की इंटरनल रैम होती है इसकी, ठीक है। दूसरा, इसमें 4 किलोबाइट की इंटरनल रोम होती है।
हमने बताया था माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा माइक्रो कंट्रोलर का यही एडवांटेज होता है कि इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अलावा रैम रोम भी मौजूद होते। तो रैम इसमें कितनी होती है अंदर, ऑन चिप रैम कितनी है, बाहर तो आप लगा ही सकते हैं, खैर अंदर इतनी लगा सकते हैं, है ना, अंदर इतनी डिजाइन रहती है, और रोम इसमें 4 KB होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी जो इसमें जोड़ सकते हैं वो जोड़ सकते हैं 64 KB, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो रैम होती है, मैं बता दूं इसको डाटा मेमोरी भी बोला जाता है इसमें, डाटा मेमोरी। तो डाटा मेमोरी इसमें कितनी होती है, 128 बाइट, और रोम को प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं इसमें। तो प्रोग्राम मेमोरी जो होती है वो इसमें होती है 4 KB, ठीक है। डाटा मेमोरी वो होती जहां डाटा स्टोर किए जाते हैं, प्रोग्राम मेमोरी वहां वो होती जहां पर इंस्ट्रक्शन के कोड स्टोर किए जाते हैं। एक्सटर्नल अगर हम बात करें, एक्सटर्नल डाटा और ऑब्लिक प्रोग्राम मेमोरी इसमें कितनी जोड़ी जा सकती है, वो इसमें जोड़ी जा सकती है 64 KB, है ना, अप टू मैक्सिमम, यानी अप टू 64 KB। नेक्स्ट अगर हम फीचर देखें इसमें, 7th फीचर, तो ये जो आईसी है, चूंकि हर आईसी को ऑपरेट करने के लिए एक सप्लाई की आवश्यकता होती है, है ना, तो इसे कितने वोल्ट की सप्लाई पर ये काम करती है चिप, तो ये आईसी 5 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट करती है, है ना। तो इसकी ऑपरेटिंग सप्लाई की आवश्यकता कितनी होती है इसकी, है ना, या ऐसे भी बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड पावर सप्लाई कितनी होती है इसमें, तो रिक्वायर्ड पावर सप्लाई जो होती है इसकी वो है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई पर ये ऑपरेट होती है, है ना। नेक्स्ट इसका फीचर अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑन चिप, यानी कि चिप के अंदर ही ऑसिलेटर भी होता है ना। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑन चिप ऑसिलेटर भी होता है ना, तो ऑन चिप ऑसिलेटर भी होता, वो कितने फ्रीक्वेंसी का होता, वो होता 12 MHz। तो 12 MHz का इसमें ऑन चिप ऑसिलेटर भी होता है ना। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फीचर देखें है ना, तो ये मैं रब कर देता हूं, आप इसे पॉज करके उतार सकते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूं फिलहाल। नेक्स्ट फीचर अगर हम देखते हैं इसका, तो वो होता है 9th मेरे ख्याल से फीचर। 9th फीचर अगर हम देखें कि इसमें एक 8-बिट ALU होता जिसके 2 रजिस्टर होते हैं, हैं? जिसके 2 रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से, एक होता रजिस्टर ए, एक होता रजिस्टर बी। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर होता है ALU का, वो होता है एक्यूमुलेटर, लेकिन इसमें 2 रजिस्टर होते हैं, एक रजिस्टर ए एक रजिस्टर बी, और दोनों रजिस्टर 8-8 बिट के होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो माइक्रो कंट्रोलर 8051 फैमिली है ये इन दोनों रजिस्टर्स की हेल्प से एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन डिविजन भी कर सकती है, ना, जबकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी, है ना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं कर सकती थी, ये कर सकती इन दोनों की हेल्प से। जैसे कि अगर मुझे एडिशन करना तो एक 8 बिट का डाटा यहाँ स्टोर हो जाता, एक 8 बिट डाटा यहाँ स्टोर हो जाता, दोनों का एडिशन ए में आ जाता, है ना। मल्टीप्लीकेशन करना तो एक डाटा यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो 16-बिट रिजल्ट आता वो दोनों मिलकर स्टोर कर लेते हैं। अगर हम डिवीजन ऑपरेशन करते तो 8-बिट डाटा का जब डिवीजन करते तो उसका रिजल्ट 16-बिट आता, क्यों, एक आता रिमाइंडर यानी कि शेषफल, एक आता क्वेशेंट यानी कि भागफल, तो रिमाइंडर और क्वेशेंट जो होता है वो दोनों मिलकर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट फीचर इसमें है कि इसमें एक फ्लैग रजिस्टर भी होता है जिसे हम PSW कहते हैं, तो 8 बिट का
इसमें एक PSW यानी कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड भी होता है ना। इसके अलावा चूंकि इसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक डाटा मेमोरी, एक एड्रेस मेमोरी, एक डाटा मेमोरी और एक कोड मेमोरी, इसी वजह से इसके इसमें दो एड्रेस पॉइंटर होते हैं, है ना। एक होता है एड्रेस पॉइंटर, इसमें एड्रेस पॉइंटर, एक तो इसमें एड्रेस पॉइंटर होता जो एड्रेस भेजना काम करता, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में केवल एक ही एड्रेस पॉइंटर होता था, वो कौन होता था, प्रोग्राम काउंटर, जबकि इसमें दो एड्रेस पॉइंटर होते हैं। एक होता है प्रोग्राम काउंटर माइक्रो प्रोसेसर 8085 की तरह 16 बिट का, इसके अलावा एक होता है इसमें डाटा पॉइंटर DPTR, वो भी 16 बिट का होता। तो दो एड्रेस पॉइंटर होते हैं इसमें, एक प्रोग्राम काउंटर, एक डाटा पॉइंटर, क्योंकि इसमें दो सेपरेट मेमोरी यूज की जाती है प्रोग्राम और डाटा के लिए, ठीक है, यानी कि कोड और डाटा के लिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इसमें जो हमारा फीचर रहता वो कह रहा था कि इसमें एक इसमें आपके चार फोर फोर एट बिट वाले पैरेलल पोर्ट्स भी होते हैं, है ना, फोर एट बिट पैरेलल पोर्ट्स भी इसमें होते हैं, है ना। वो कौन कौन से, पोर्ट जीरो, पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री। जैसे कि हमने बताया था माइक्रो कंट्रोलर में माइक्रो प्रोसेसर की अपेक्षा क्या एडवांटेज होता है, मेमोरी मिल जाती है अंदर ही ऑन चिप, और इसके अलावा पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। तो पोर्ट इसमें चार, चार पोर्ट इसमें एट बिट के होते हैं, है ना। इसीलिए इसमें चार पोर्ट की 32 बाई डायरेक्शनल, है ना, क्यों, एट बिट का एक पोर्ट है तो आपके चार पोर्ट है, तो 8 × 32 32 आईओ लाइन्स इसमें होती हैं, 32 आईओ लाइन्स, है ना, बाई डायरेक्शन आईओ लाइन्स होती हैं, 32 बाई डायरेक्शन आईओ लाइन्स। इसके अलावा अगर नेक्स्ट फीचर देखें इसमें, तो इसमें एक सीरियल पोर्ट भी होता है, है ना, फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट, इसमें जो ऑन चिप, चिप के अंदर ही ऑन चिप फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट भी होता है, सीरियल आईओ पोर्ट भी है इसमें। पैरेलल पोर्ट तो इसमें है ही, है ना, चार पैरेलल पोर्ट है इसमें, इसके अलावा ऑन चिप इसमें एक फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट भी होता। फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट किसे कहते हैं, कि फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट का मतलब होता है, जैसे एक होता है सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक ही डायरेक्शन से सिग्नल भेजा जा सके, दूसरी साइड उसे सिर्फ रिसीव किया जा सके, उसे कहते हैं सिंप्लेक्स, है ना। और फुल डुप्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें सिग्नल को ट्रांसमिट भी किया जा सके, रिसीव भी किया जा सके, है ना, साथ साथ दोनों काम, है ना, तो उसे कहते हैं फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट, जिसमें उसी समय सिग्नल को ट्रांसमिट भी किया जा सके सीरियली और रिसीव भी किया जा सके, है ना। तो इसमें ऑन चिप फुल डुप्लेक्स सीरियल पोर्ट भी होता है। 14th अगर फीचर देखते हैं हम, तो 14th फीचर ये होता है इसमें कि जो आपका माइक्रो कंट्रोलर 8051 फैमिली है, इसमें क्या खास बात है, इसमें दो टाइमर होते हैं, टू 16 बिट टाइमर। बताया था जैसे कि हमने इसमें ऑन चिप टाइमर भी होते हैं, तो दो टाइमर होते हैं इसमें 16 बिट के, वो कौन कौन से, T0 और T1, तो दो 16 बिट के इसमें टाइमर्स जो है होते हैं, है ना। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने बताया इसमें 128 बाइट की इंटरनल रैम है, तो उसके अंदर इंटरनल रैम के अंदर होते क्या क्या हैं वो भी हम देख सकते हैं। कि जैसे कि हमने बताया कि इसमें 128 बाइट्स की
इंटरनल रैम है 128 बाइट्स की इंटरनल रैम है। तो उस 128 बाइट्स की इंटरनल रैम में किस तरह से वो डिवाइड है तो मैं बता दूं, 128 बाइट के इंटरनल रैम में सबसे पहले फोर 4 रजिस्टर बैंक है इसमें। कितने बैंक हैं, क्या हैं? 4 रजिस्टर बैंक, और हर बैंक में 8-8 रजिस्टर का ग्रुप है R0 से लेकर R7 तक, जिसमें प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का होता है ना। तो 4 रजिस्टर बैंक है इसमें, है कौन कौन से रजिस्टर बैंक हैं लिख देते, नहीं तो रजिस्टर बैंक हैं, जैसे रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। तो 4 रजिस्टर बैंक है इसमें, है ना, और इन चारों रजिस्टर बैंक में 8-8 रजिस्टर्स, कितने रजिस्टर्स, 8-8 रजिस्टर्स का ग्रुप है R0 से लेकर R7 तक, 8 बिट्स वाले 8-8 रजिस्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर 32 बाइट्स हो जाती है, क्योंकि 8 बिट्स किसे कहते हैं, बाइट्स को, एक बाइट को 8 बिट कहते हैं। तो क्योंकि एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 8 बाइट एक बैंक में, 8 बाइट 8 बैंक में, एक 8 बाइट 8 बैंक में, इसका मतलब कुल मिला के 32 बाइट्स, तो 32 बाइट्स इसमें कुल इसमें इंक्लूड रहते हैं, है ना। इसके अलावा सेकंड अगर हम देखें 128 बाइट में से 16 बाइट जो है, 16 बाइट बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया, 16 बाइट बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल होती है ना। ये रैम जो है 16 बिट जो है बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल रैम होती है, ठीक है। इसके अलावा 80 बाइट्स जनरल पर्पज रैम होती है। तो अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन, हमें समझ में आ गया 128 बाइट में से 4 तो है रजिस्टर बैंक, है ना, जिनमें 32 बाइट आ जाती है, 16 ये 32 और 16 48 और प्लस 80, है ना, तो कुल मिला के 128 बाइट्स हो जाती है, है ना, ठीक है ना। दूसरी बात देखें, अगर हम बात करते हैं कि जो माइक्रो कंट्रोलर जो फैमिली है 8051 माइक्रो कंट्रोलर फैमिली, है ना, इसकी जो हमने बताया रैम जो है वो इस तरह से जो है आपकी बटी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये कुल इसके फीचर्स हो जाते हैं, है ना। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे, फीचर्स ही, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ाएंगे, है ना। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।